नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसमें आज मैं आपको बात करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज़ की। तो जिसमें दोस्तों मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाई है इसमें, जिसमें मैंने उसमें आपको समझाया था कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं। बट इसमें डिफरेंस यही है कि अगर आपको यहाँ पे टर्म दी गई है ऑड यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से नहीं कर सकते, आपको जनरल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताऊंगा आपको, कि जिससे आप इसका आंसर भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होता कैसे है दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको दिया गया है यहाँ पे, सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको आंसर निकालना है। तो आप इसको लेट कर लीजिए कि सपोज ये एम है दोस्तों। तो अगर आपने इसको एम लेट कर लिया है, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों एम स्क्वायर फिर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट में बाकी सारी टर्म्स दोस्तों आ जाएगी ऐसे की ऐसे ही। तो दोस्तों ये आपका चलेगा इन्फिनिटी तक, पर आप देखेंगे कि ये कुछ भी नहीं है आपका दोस्तों, ये आपका है इक्वल टू एम ई दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसकी जगह लिख सकते हैं एम ई, तो एम इसकी ये, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस दोस्तों एम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप अपना नॉर्मल जो आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाएंगे, तो दोस्तों तब भी आपका आंसर आ जाएगा। पर उस बड़े उसको उसमें आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पे दिया गया है प्लस साइन दोस्तों ऑड नंबर के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसके रूट्स निकालने के लिए आप लिख सकते हैं वन प्लस 4a अपॉन 2 दोस्तों। तो यहाँ पे जो ए है आपका, ए है जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि यहाँ पे जो ए है वो हो जाएगा आपका 5 दोस्तों। तो जिसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, वो आ जाएगा वन प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4 इंटू 5 होता है आपका 20 दोस्तों, प्लस अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 21 अपॉन 2 दोस्तों। तो यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों। तो देखा आपने कितनी जल्दी आपने फॉर्मूले से निकाल लिया है इसका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे पुरानी वीडियो बनाई है, आप उसको भी जरूर देखिए, उसमें मैंने सारे टाइप के समझाए गए हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे इन्फिनिट सीरीज के ऊपर, तो आपको इन्फिनिट सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, SSC CGL वगैरह जो भी बैंक PO में आते हैं, आप सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे सपोज कर लीजिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस दिया गया है दोस्तों। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो जनरल मेथड से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था, वो था आपका 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4a अपॉन 2 दोस्तों। तो यही हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। यहाँ पे बस कुछ भी नहीं है, -1 की जगह यहाँ पे +1 की जगह आ जाएगा दोस्तों -1। यही है इसका आंसर। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं दोस्तों, स्क्वायरिंग इसको आप लेट कर लीजिए एम है दोस्तों। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट में सेम टर्म आएगी जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे एम, उसको उधर लेके जाएंगे आप दोस्तों, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 5 दोस्तों। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप अगर आप लगाना चाहें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर आप वो लगाना चाहेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा दोस्तों। पर यहाँ पे उसकी जगह आप ये अगर यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बड़े ही जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यही है इस वीडियो में, मैंने अपनी पिछली वीडियो का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके ज़रूर देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और आप इजीली अपना आंसर निकाल पाएंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए और बहुत सारी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, या मेरी मेल ID पर आप मुझे मेल कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट दोस्तों।